एक अध्यापक की मृत्यु हो रही थी। अंतिम समय उनके छात्र उनके चारों तरफ घेर कर बैठे थे। छात्रों के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उसको देखकर अध्यापक दुखी हुए और बोले कि भाई, मैंने आप लोगों को क्या शिक्षा दी? मैंने अपने जीवन का हर बहुमूल्य समय इस तरह बिताया कि मुझे अगला क्षण नहीं मिलने वाला। दिन प्रतिदिन मैं जब कार्य करता था, वो इस श्रद्धा के साथ कि शायद कल मुझे अवसर न मिले। जब किसी के साथ भेंट का मुझे अवसर प्राप्त होता था, तो मैं इस प्रकार उनसे मिलता था कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ और भविष्य में कभी नहीं मिलूँगा। जब मैं कोई कार्य आरंभ करता था और कोई मैं कार्य प्रतिदिन करता था, तो इस भाव से कि ये पहली बार मैं ये कार्य कर रहा हूँ और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है इस कार्य करने का, मुझे अवसर मिला और भविष्य में मुझे कभी करने को नहीं मिलेगा। अर्थात मैंने अपने प्रत्येक क्षण में अपनी संपूर्ण मानसिक ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करके कार्य किया। और मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी इस बात को मानो कि अब ये क्षण जो मुझे मिला है, वही सबसे बहुमूल्य क्षण है। इस क्षण का मैं सदुपयोग करूं तो इसका लाभ पाऊंगा, इसका दुरुपयोग करूं तो इसका हानि प्राप्त होगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, निरंतर मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे पूजा करो, इस प्रकार मुझे नमन करते हुए आप मेरे पास अवश्य आओगे। हम सभी अपने जीवन में कार्य करते करते जिस कार्य में हम लगे हैं, उस कार्य में पूर्ण ध्यान केंद्रित नहीं करते, और ये हमारे जीवन की बड़ी समस्या है। आज के स्मार्टफोन, व्हाट्सएप और इन अलग अलग प्रकार के यंत्रों की दुनिया में लोगों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि वो पूर्ण ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ध्यान उनका भटकता रहता है और वो जीवन के असली लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते।